ही शानदार आज इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर श्रीकांत से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वे आपको दो शब्द कहें कि डॉक्टर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुसलमान समुदायों के लिए और खास करके मदरसा मॉडर्नाइजेशन के एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि महाराष्ट्र के हर मदरसा के मॉडर्नाइजेशन के लिए, के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए अनाउंस किया, ताकि कौम को आत्मनिर्भर बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही मकसद है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से गुजारिश करूंगा कि वे बहुत ही कम शब्दों में आपको मुबारकबाद दें। यहां पर वराया जी ने बुलाया, मिलिंद जी ने बुलाया, इसलिए दोनों का भी धन्यवाद अदा करता हूं मैं। यहां पर हमारे उपस्थित जहीर खाजी जी, वारिस पठान जी और सभी सूफी जी यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब खुद यहां पर आने वाले थे, लेकिन आज हिंगोली और यवतमाल ये दोनों जगह पर जो है कैंडिडेटचर का फॉर्म फिलिंग वहां पर होने के कारण अभी तक वो लैक्स हो रहे, इसलिए वो आ नहीं पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं जो है आप तक पहुंचाने का काम जो है मैं और मिलिंद जी यहां पर कर रहे हैं। मिलिंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मिलिंद जी के माध्यम से जो है एक अलग चेहरा जो है हमारी पार्टी को यहां पर मिला है। और मिलिंद जी का जो सभी के साथ व्यवहार है, उनके पिताजी के समय से मुझे लगता है कि एक अलग चेहरा जो है इस साउथ मुंबई, और साउथ मुंबई से सिर्फ लिमिटेड मिलिंद भाई नहीं है, वो जो है सभी के साथ, मुंबई हो, मुंबई के बाहर हो, महाराष्ट्र हो, देश हो, देश के साथ जुड़ने वाला चेहरा जो है मिलिंद जी का यहाँ पर देखा जाता है। तो मैं इस अवसर पर फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ, रमजान की बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रमजान में जो है हम सभी लोग रोजा यहाँ पर रखते हैं, और रोजा का मतलब है मुझे लगता है कि खुद पे कंट्रोल, और खुद पे कंट्रोल करने की सीख जो है पूरे महीने में हमारी कम्युनिटी जो है यहाँ पर देती है। खुद को रोकना, खुद को डिसिप्लिन में लाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर संदेश होगा देश के लिए तो ये रोजा के माध्यम से जो है यहाँ पर जाता है। और एक त्याग की भावना, जब हम खुद रोजा रखते हैं तो दूसरे को देने की भावना जो है हम सब में जो है आती है। मुझे लगता है कि इस पावन अवसर पर फिर से एक बार मैं आप सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं जो यहाँ पर देता हूँ, धन्यवाद। कुसुम नाथ मारे मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं का हम दिल की गहराई से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले अरे नीचे रखो थोड़ा भाई, नीचे रखो, नीचे रखो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कच्ची में बस में पाती इनकी प्रेसिडेंट मिसेस जीनत वराया से कि वो स्टेज पर आए। डॉक्टर काजी साहब, पद्म काजी साहब की खिदमत में एक तोहफा, जो फूल का गुलदस्ता है, और शॉल डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब। फिर जीनत वराय मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए प्लीज। इसीलिए तो क्षेत्र की जनता कहती है कि मिलिंद देवरा आप कल भी नंबर वन थे और आज भी नंबर वन थे, कल आप नंबर वन थे। इस्तेमाल किया जाता है और न सिर्फ कल थे और आज है बल्कि अनवर अहमद वराया साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा। सर प्लीज लुक हियर।
थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए शमीम रेडियो का। सर प्लीज रुकिए सर, सर रुकिए। थैंक यू। मिलिंद भाई से रिक्वेस्ट है कि छोटा कुछ दो दो लफ्ज कहे। पेश करने जा रहे हैं मैं रिदाकरण डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, मंच पर उपस्थित उलेमा इकराम, हमारे सूफी साहब। से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही हर दिल अजीज मुख्यमंत्री जो हम कहते हैं कि जमीनी स्तर के एक नेता है शिंदे साहब, जो मालिक है मिज़्ज़ा का, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला उस रास्ते पर जिस पे तो शायद तराबी का वक्त हो जाए। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि ऐसे मौके पर देश आपकी खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करेंगे। थैंक यू। नमाज के बाद खाने का भी इंतजाम है, तो आप लोगों से गुजारिश, बॉम्बे 3 बॉम्बे 9 के मुसल्लियों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आया है मुख्तियार अहमद वराय साहब की खिदमत के लिए। तो मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तियार अहमद वराय अता फरमा, तमाम आलम के इंसानों को एक दूसरे का भाईचारा अता फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, करम फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम को तामीरी जहन अता फरमा, तकरीबी जहन से बचा, सबकी फला बहबूद अता फरमा, रहम फरमा दे, फजल फरमा, करम फरमा। रहमतों का महीना है तेरी कब्र में, रहमतों का खाजुल अता फरमा, मकसद का महीना है तो माफ़ी को पसंद फरमाता है, गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, हमारे मरहूमिन की मकसद फरमा, हम तमाम आम को बरी फरमा। या अल्लाह पाक इस मुल्क में अमन शांति अता, रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे और अपने मुल्क में अपने शहर की अमन रहे, शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, अपने देश की तरक्की रहे, यही दुआ रहेगी। उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम लोगों को जो आज का वक्त निकाल के इतने पाक महीने के अंदर इफ्तार के लिए यहाँ पर आए। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा एकनाथ श्रीकांत सिंह डॉक्टर साहब का, मिलिंद देवरा साहब का, कि वो यहाँ पर अपना वक्त निकाल के इफ्तार के अंदर आए। आज सीएम साहब भी आने वाले थे लेकिन आप लोग को पता है कि वो उनका फ़्लाइट डिले हो गया, तो ये सिलसिले में वो पहुँच नहीं पाए। जी देखिए, ये इफ्तार का मकसद ऐसा है कि ये आपस की मोहब्बत, एकता, यूनिटी, एक तरीके का एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म होता है। एक रमज़ान का महीना ऐसा है, इफ्तार का एक बहाना ऐसा है कि जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर लोग आते हैं, साथ में रोज़ा खोलते हैं। और अपने श्रीकांत साहब, डॉक्टर साहब, शिंदे साहब, इनको लोगों से मिलना था, एक ज़रिए के थ्रू एक प्लेटफॉर्म है कि लोगों को बताना था कि भाई अपनी कौम के लिए, चीज़ों के लिए आज ये भी खड़े हैं कोई चीज़ के अंदर। जैसा डॉक्टर साहब ने अनाउंस किए कि हर मदरसे के लिए, उसके अपनी कुंड के लिए शिंदे साहब ने 10 लाख रुपये का फ़ंड रेज करने का पास करवाए है कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिद है, उसको जो भी उसका फंड अपनी फंड करना रहेगा उसके लिए 10 लाख का फंड। ये पहली बार कोई सरकार ने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, इस एरिया वालों के लिए, साउथ बॉम्बे के लिए कोई तरीके का कोई स्कीम लॉन्च करी, वरना इससे पहले तो आपने भी देखे सिर्फ बातें ही होती थी। तो इस तरह से जो पूरा इफ्तार का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पर
सभी कम्युनिटी के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग थे। तो क्या कुछ डिफिकल्टी आपको आई थी प्रोग्राम लेने में या मतलब? नहीं, कुछ डिफिकल्टी नहीं आई थी। देखिए लोगों, लोग मानते हैं, लोग इज्जत करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, बस ये मोहब्बत ही दिख रही थी यहाँ पर लोगों की, कि सब अपनी मोहब्बत के अंदर आए थे और उसमें कोई डिफिकल्टी, किसी भी बात की डिफिकल्टी नहीं थी। श्रीकांत जी, मिलिंद देवड़ा जी को क्या कहा आपको इतना भव्य प्रोग्राम पूरा देख के? लोग भी काफ़ी कसाकस भरे थे आपसे, काफ़ी खुश हुए, काफ़ी खुश होके गए। वो चाहते थे कि लोगों तक उनका मैसेज पहुँचे, मास मैसेज पहुँचे, साउथ बॉम्बे की पब्लिक को मास मैसेज पहुँचे कि भाई ये सरकार सबके लिए है, ये सरकार सबके लिए करना चाहती है, ये कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ के ऊपर नहीं है हमारा, ये हर पब्लिक के लिए साउथ बॉम्बे में करना चाहते हैं। और बाकी शिंदे साहब का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे हो, आज थाना चले जाइए आप, वहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आज थाना साइड के अंदर वो साइड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो आज हम भी ये चाहते हैं, आज उनको लाने की वजह हम भी चाहते हैं हमारा साउथ बॉम्बे में भी उस तरीके से डेवलपमेंट हो और साउथ बॉम्बे में भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अपने एरिया के अंदर भी सुधार आए हर चीज़ के अंदर, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे वो बिल्डिंगों में हो, चाहे वो डेलीपेड बिल्डिंग्स को लेके हो, ड्रेनेज सिस्टम को लेके हो, कि आज अपनी चीज़ों के अंदर भी सुधार आए, आज अपनी कौम भी आगे बढ़े, अपनी स्कूलों के बारे में हो, अपने हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हो। तो आज इनको लाने की वजह यह थी कि आज वो भी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों से मिले, लोगों की परेशानी सुने, लोगों को बोलने का मौका मिला काफ़ी टाइम के अंदर। तो बस ये मकसद था कि उनको पब्लिक के बीच में इंटरेक्ट कराना था। अभी जैसे हमने देखा, जैसे रोज़ा इफ्तार हुआ उसके बाद उन्होंने यही वजह से कि पब्लिक की सुनवाई है, पब्लिक के लिए रीचेबल है। आज इफ्तार करके यहाँ से VIP सिक्योरिटी में डायरेक्ट जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये तो आपने बहुत देखा होगा, आप न्यूज़ वाले कोई नज़दीक नहीं आना, पब्लिक को आने दीजिए। कितनी बार, कम से कम 4 से 5 बार तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को उस चीज़ पे चिल्लाया कि आप सब पीछे खड़े रहो, कोई नहीं आना, पब्लिक को आने दो मेरे नज़दीक। तो आज ये चीज़ देखने को मिली, नवी चीज़ देखने को मिली। सर, जैसे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या तैयारी है साउथ मुंबई की? देखिए वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, अभी इलेक्शन पार्ट के अंदर वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये अपना रमज़ान का, इफ्तारी का, पाक मुकद्दस चीज़ का था, अपने लोगों का था ये, बाकी इलेक्शन के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। वो तो देखिए जो हालात बनेंगे, जो सबके सामने आ जाएंगे है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिमार्केबल बन गई थी, कोशिश तो पूरी किए थे, सभी कोशिश करते, हमने भी कोशिश की थी, लेकिन बस अल्लाह ताला का ये और लोगों की दुआ है कि जो रिमार्केबल बन गई है। लेकिन रमज़ान के महीने में और अभी आने वाली ईद भी है जी, यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसा जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते थे, जिस तरीके से अमन से रहते थे, जिससे बेखौफ रहते थे, आज अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने महाराष्ट्र के अंदर, अपने बम्बई के अंदर आप रात के 2 बजे भी जाते हो तो बेखौफ जाते हो, अपने को सोचना नहीं पड़ता कि किधर जा रहे, कौन से एरिया में जा रहे हैं, बस इसी तरीके की मोहब्बत बनी रहे, यही मैसेज देना चाहता हूँ।